गाइस स्वागत है आप लोगों का एक न्यू वीडियो पे। यार आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस एंगल में कैसे बैठा हूँ, आज हम लोग गेम्स नहीं खेल रहे हैं क्या? गेम्स खेलेंगे हम लोग, बट हम लोग एक ब्रांड न्यू एक्सेसरीज के साथ गेम खेलेंगे। एक्सेसरीज आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा एक्सेसरी, तो यार मेरे पास ना मोजा का HZP शिफ्टर आया है। तो यार आप लोग जान रहे होंगे मैं ना लॉजिटेक का शिफ्टर बहुत टाइम से यूज कर रहा था, मैंने उसको मॉड किया था। मोजा का मेरे पास व्हील है बट हम लोग लॉजिटेक का शिफ्टर यूज कर रहे थे। फाइनली हम लोग आज गियर शिफ्टर अपग्रेड होगा ये मोजा HZP शिफ्टर में। तो ये मोजा के शिफ्टर के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊंगा, आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एंड डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी ट्राई करेंगे। यस हम लोग आज गेम्स भी खेलेंगे इसी वीडियो में, लेट्स गो। सबसे पहले तो हम लोग इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉक्स में हम लोगों को एक सबसे पहले एक नॉब देखने को मिलता है। नॉब ना एक्चुअली में हैवी लग रहा है बहुत ज्यादा, लाइक एकदम परफेक्ट सर्कल में है। अंदर में हम लोगों को कुछ केबल्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें मेरे को दो केबल्स दिख रहा है, एक हम लोग को USB एंड एक डिफरेंट केबल रहेगा। यहाँ पे हम लोग का मेन आइटम आता है जो कि हम लोग का शिफ्टर रहेगा। शिफ्टर भी एक्चुअली में हैवी है, इसका जो वेट रहेगा ना 1.8 किलोग्राम्स का वेट रहेगा। एंड ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये एक्चुअली एक एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। नॉब को हम लोग अगर फिट करना है ना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग स्क्रूज दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम लोग इसको फिट कर सकते हैं एंड इसमें हम लोग डिफरेंट नॉब्स भी लगा सकते हैं। ये गियर शिफ्टिंग का जो फील है ना यार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक रियल कार जैसा मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। एंड पीछे में यहाँ पे हम लोग को दो कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, USB रहेगा एंड ट्रांजिट रहेगा, दोनों से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। केबल से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक तो हम लोग का ट्रांजिट केबल रहेगा एंड एक हम लोग को मिलता है USB केबल जिसके हेल्प से मैं कनेक्ट करूंगा। साथ में हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी मिलते हैं जिसके हेल्प से हम लोग ये शिफ्टर को माउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे माउंटिंग के लिए तो यार मैंने कस्टम प्लेट बनाया था, आप लोग चाहे तो अपने सीधे रिग में ये फिट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को हैंड ब्रेक भी यूज करना था इसलिए मैंने इसको यूज किया है। कस्टम प्लेट ना बहुत ज्यादा सिंपल है बनाना, बस मेजरमेंट लेके यहाँ पे हम लोग का बन सकता है एंड यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्टली फिट किया यार। लाइक अब ना थोड़ा मजा आएगा हम लोग को शिफ्टिंग करने में। USB कनेक्शन के थ्रू इसको मैं कनेक्ट करूंगा, इसको आप लोग किसी भी USB पोर्ट में कनेक्ट कर लीजिए एंड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने अपने मोजा शिफ्टर को अपने PC से प्लग इन कर लिया है वाया USB, मतलब इसमें हम लोग को दो मोड मिलता है ना, मैंने USB से कनेक्ट किया है। बस हम लोग को अपने मोजा पिट हाउस सॉफ्टवेयर को खोलना है एंड यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्टर में जाएंगे ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट लगा रहे हैं, देखो भाई पूरा वर्किंग है एकदम, लाइक यहाँ पे ना हम लोग को कुछ ऐसा नहीं है कि ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है या कुछ करना है, यहाँ पे हम लोग को बस प्लग इन करना है एंड अगर हम लोग के पास मोजा सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे हम लोग का ये शिफ्टर अच्छे से वर्क करेगा। अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं एसेटो कोर्सा में, बट फर्स्ट हम लोगों को इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं HZ में जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे अभी बटन 6 बाइंड कर चुका है ऑलरेडी, लाइक सारे बटन मैंने बाइंड करके रखे हैं। टोटल हम लोग को 7 गियर्स मिलते, तो यहाँ पे हम लोग को 7 गियर भी बाइंड करके रखा है एंड एक रिवर्स बाइंड करके रखा है। लेट्स गो ओपन करते हैं भाई, पहले कोई सा कार्ड ही चलाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग फर्स्ट गियर लगाते हैं भाई, यहाँ पे एन है, ओके एवरीथिंग इज वर्किंग, लाइक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड लाइक इसका शिफ्टिंग करने का फील थोड़ा मेरे को लाइक लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये नया नया है, थोड़ा हार्ड साइड में रहेगा, बट आई थिंक बाई यूजिंग इट ये आई थिंक सही हो जाएगा। लेट्स गो, ये BMW का भी ड्राइव करते हैं भाई, बहुत लाउड है एक्चुअली ये BMW, कुछ ज़्यादा ही लाउड है यार। एंड ये ना वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिफ्ट मॉड है इन दिस गेम, बहुत प्यारा ड्रिफ्ट होता है यार। भाई 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 थोड़ा प्रॉब्लम अभी मेरे को फेस हुआ, लाइक G29 में बस मैं यहाँ से ऐसे हल्का सा पुश करता था ना तो वो शिफ्टिंग हो जाता था, बट यहाँ पे हम लोग को कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है ये भी हैबिट हो जाएगा, हैबिट डेवलप हो जाएगा हम लोग का। भाई रुक जा BMW यार, अमेजिंग फीलिंग है इसमें शिफ्टिंग करने का सच में। लेट्स गो, अब हम लोग ना इसको फोर्जा में ट्राई करते हैं बिकॉज फोर्जा में भी ये आउट ऑफ द बॉक्स वर्क करता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग फोर्जा में ट्राई करने वाले हैं अपना मोजा का शिफ्ट, जिस तरीके से एसेटो में हम लोगों ने सेट किया था सेम हम लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है एंड अपने कंट्रोल्स में बस इसको बाइंड करना है। एंड अगर आप लोग के पास लॉजिटेक G29 है, मोजा का व्हील नहीं है तो भी ये वर्क करेगा, मतलब कि ये किसी भी व्हील के साथ कंपैटिबल है। अगर हम लोग को थ्रस्टमास्टर का यूज करना तो वो भी वर्क करेगा, लॉजिटेक भी वर्क करेगा। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बाइंड कर लिया है, ये हम लोग का रिवर्स बाइंड किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा 7th गियर तक लगाया है भाई। तो इसको अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिलहाल तो अभी हम लोग एक ड्रिफ्ट कार चला रहे हैं BMW M5 भाई देखो। एंड आई होप आप लोग को ये व्हील कैम भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे हम लोग का मोजो शिफ्टर है, ये तो मेरा DIY हैंड ब्रेक है भाई, इसको मैंने लॉजिटेक के पेडल से बनाया था भाई। एक्चुअली लाइक ना थोड़ा मेरे को अभी डिफिकल्टीज है शिफ्टिंग करने में, लाइक G29 ऐसा था बस ऐसे हाथ रखता था वो हो जाता था, बट ये ऐसा नहीं है भाई, इसमें फुल फोर्स लगाना पड़ रहा है मेरे को एक्चुअली। बट यस
ओवरऑल देखा जाए भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है। ये जो हम लोग का शिफ्टर है, नया नया आइटम वैसे भी थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है, तो यहाँ पे अभी हम लोग को यूज़ करते करते ना ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि ये सॉफ्ट हो सकता है। लेट्स सी, अब तो भाई खेलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो यार मेरे को पसंद आ रहा है ये। ओवरऑल यार मेरे को ये ना मोजा का शिफ्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। थोड़ा सा रिवर्स लगाने में दिक्कत होता है, एंड लाइक G29 में क्या था, रिवर्स ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रेस करके सिक्स्थ गियर लगाना पड़ता था, बट यहाँ पे हम लोग को भाई पहले साइड लगाना है, एंड सेवन्थ गियर लगाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वो बाई टाइम आई थिंक सही हो सकता है, हो जाना चाहिए। ये इसी तरीके से सारे गेम्स में सपोर्टेड है। लाइक अगर आप लोग को यूरो ट्रक में सेट करना है तो वो भी चलेगा, फोर्ज़ा होराइज़न 4 में भी ये सपोर्ट करेगा, एंड अगर नीड फॉर स्पीड में करना है तो ये उसमें भी सपोर्ट करेगा। लाइक ये ना सिर्फ बटन जैसा काम करता है, तो इसका आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि गेम्स में वर्क करेगा या नहीं, सब में वर्क करेगा, ये मेरी गारंटी है। यार मैं ना ये हैंड ब्रेक को भी बहुत ही जल्दी अपग्रेड करूंगा एक्चुअली। लाइक मैं वेट कर रहा हूँ ये हैंड ब्रेक के रिसीव होने का, एंड हम लोग इसके ऊपर भी एक फुल ऑन वीडियो बनाएंगे इसके रिव्यू का। हैंड ब्रेक जब आएगा वो भी एक्चुअली हैंड ब्रेक मोजा का ही है। मोजा का हैंड ब्रेक ना मेरे को एक्चुअली पसंद आया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली देखा जाए तो। यार आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मोजा का शिफ्टर पसंद आया होगा। यार आप लोग को ये मोजा का शिफ्टर परचेस करना है ना, लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, एंड आप लोग ये कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। डेफिनेटली यार मैं तो आप लोगों को बोलूँगा यार, और कोई शिफ्टर फिलहाल के टाइम पे ना अच्छा नहीं लगा मेरे को एक्चुअली, लाइक यही वाला शिफ्टर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो डेफिनेटली आप लोग ये मोजा के शिफ्टर को चेकआउट ज़रूर से करिएगा। तो यार मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पे।